बल, कार्य और ऊर्जा। चिंटू अपने पापा के साथ रिफाइनरी घूमने जाता है। रिफाइनरी में क्या होता है पापा? बेटे, रिफाइनरी में तेल शोधन किया जाता है, मतलब तेल के गाद से तेल निकाला जाता है। तो ये तेल पहले कहाँ पर होता है? बेटा, तेल गाद के रूप में पहले समुद्र में पाया जाता है, फिर मशीन की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता है। तो इस तेल का लोग क्या करते हैं? इस तेल का प्रयोग ट्रेन, बस, मोटर गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। तो हम जिस गाड़ी में आए हैं वो भी तेल से ही चलती है? हाँ बेटा। तो चिड़िया भी तेल से उड़ती है? वो भी एक प्रकार की ऊर्जा से ही उड़ती है, जो उसे भोजन से मिलती है। यूँ समझ लो कि हम भी भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही हम चल फिर पाते हैं। अगर हम नहीं खाएं तो क्या होगा? हम बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तभी कल लंच न खाने पर मेरी टीचर मुझे डांट रही थी। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा से ही हमें बल मिलता है जिससे हम काम कर पाते हैं। अपनी मम्मी को भी रोटी बनाते देखा है, वो भी ये सब ऊर्जा के कारण ही कर पाती हैं। कभी ध्यान से देखना कि पेड़ों के पत्ते तथा फल भी नीचे की तरफ गिरते हैं। ये सब एक प्रकार के बल, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, के कारण ही संभव हो पाता है। बल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चुंबकीय बल, विद्युत बल, पेशीय बल आदि। हाँ, मेरे पास एक चुंबक है जो लोहे पे चिपक जाता है। सही कहा, वह चुंबक के चुंबकीय बल के कारण होता है। तुमने कभी कंघी को अपने बाल पर रगड़ कर देखा है? उससे क्या होगा पापा? अगर तुम ऐसा करके देखोगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे, क्योंकि कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाएगा और कागज चिपक जाएगा। तुम जब अपने धनुष से तीर छोड़ते हो तो वह भी तनाव बल के कारण आगे जाता है। पापा, मैंने शर्मा अंकल के घर के छत पर एक बड़ा सा नीले रंग का बोर्ड देखा है, वह क्या है? बेटा, वह सोलर पैनल है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो क्या सूर्य में बिजली होती है? यूँ कहें तो होती है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वह कभी खत्म न होने वाला ऊर्जा स्रोत है। उसी प्रकार से बायोगैस, पवन चक्की भी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। समझ गया पापा, अब मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो बल्ब और पंखे को ऑफ करके जाऊंगा। हाँ, एक अच्छा कदम होगा। चलो अब वापस घर चलें।